Yes, we were on this page. So till now, we have already covered the meaning of concepts of excess and deficient demand. Excess demand means when there is excess of aggregate demand over aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium. And during this situation, mainly prices tend to increase and there is no effect on employment and output level in the economy. On the other side, deficient demand means that situation in which there is shortage of aggregate demand as compared to aggregate supply corresponding to full employment point of equilibrium. These words are very important, corresponding to full employment. Okay? Without this, your definition will be incomplete. So, corresponding to full employment level of equilibrium, when aggregate demand falls short of aggregate supply, then it is called deficient demand. And when there is this type of time period of deficient demand, there is normally deflation in the economy. Means normally general price level that tends to fall. Prices कम होते हैं. Employment also falls, output level also falls, and the producers or sellers, they are left with unsold stocks. Stocks get inventory, inventory मतलब stock, चीजों के stock, they get piled up, उनका सामान बिकता नहीं है, तो उस करके वो लोगों को भी काम से हटा देते हैं और प्रोडक्शन भी नहीं करते जब तक कि पुरानी प्रोडक्शन उनकी सेल नहीं हो जाती. सो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइसेस भी कम होते हैं नॉर्मली, एम्प्लॉयमेंट भी लेवल कम होता है एंड आउटपुट का लेवल भी कम होता है. ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. अब नाउ नेक्स्ट पार्ट विच वी जस्ट स्टार्टेड, आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट अगेन थॉरली. सो नाउ इफ देर इज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, तो देन क्वेश्चन अराइजेज कि वट शुड बी डन, वट रेमेडी शुड बी अडोप्टेड. हम बीमार होते हैं तो कोई मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो बीमारी चलते जाएंगे. तो रेमेडी का मतलब इलाज क्या किया जाए, वट कैन बी डन. तो इन द पार्ट ऑफ रेमेडी टू टाइप्स ऑफ मेजर्स कैन बी टेकन, टू टाइप्स ऑफ मेथड्स कैन बी यूज, इधर सेपरेटली और साइमल्टेनियसली. इकट्ठे भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं. नाउ वट आर दोज? वन टाइप ऑफ मेथड्स आर नोन एज फिस्कल मेथड्स और बजटरी मेथड्स और गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी मेथड्स या सिंपली गवर्नमेंट मेथड्स. ठीक है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ मेथड्स और मेजर्स आर नोन एज मनीटरी पॉलिसी मेथड्स या मनीटरी मेजर्स. अब नाउ मीनिंग वी ऑलरेडी नो, फिस्कल पॉलिसी और बजट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स एवरी ईयर गवर्नमेंट प्रिपेयर्स ए फाइनेंशियल बजट फॉर द कंट्री, फॉर द इकोनॉमी. वट कैन, फ्रॉम विच सोर्सेज इट विल रिसीव रेवेन्यू, फ्रॉम ऑन विच सोर्सेज, ऑन विच आइटम्स इट हैज़ टू स्पेंड मनी. तो ड्यू रिलेटेड टू ऑल दैट प्रोग्राम, वट एवर इज डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट बिफोर हैंड प्रीवियसली, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट. एंड ऑन द अदर साइड, मनीटरी सिस्टम ऑफ द मनीटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज नोन एज, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज द ओनली अथॉरिटी इन द कंट्री आफ्टर गवर्नमेंट हु हैज़ द पावर, हु हैज़ द फोर्स टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द कंट्री. ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है. तो एक तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेचुटरी बॉडी है दैट इज RBI या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. तो नाउ सेंट्रल बैंक की पॉलिसी का मीनिंग क्या है? सेंट्रल बैंक थ्रू दिस मनीटरी पॉलिसी controls the money supply in the economy as well as controls the credit creation. Credit मतलब जो loan लेते हैं, borrowing करते हैं, उधार लेते हैं, उस चीज को भी वो control करता है. तो monetary policy of the central bank is related to that policy with which it controls the money supply in the economy, circulation of money supply in the economy as well as credit creation in the economy. तो RBI तो ये काम करता है, तो उस पॉलिसी को कह दिया जाता है मनीटरी पॉलिसी. मनी वर्ड जो है ना, मनी शब्द, ये मनीटरी वर्ड मनी से बना है, मनीटरी. और इधर है फिस्कल, ये आ जाता है गवर्नमेंट का. अब नाउ वी नो गवर्नमेंट के पास, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, एज वी हैव टू हैंड्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड, तो सेम वे जो गवर्नमेंट का बजट होता है, इट ऑल्सो हैज टू हैंड्स. वन इज कॉल्ड रेवेन्यू साइड, वन इज कॉल्ड दिस एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने वो जो रेवेन्यू साइड और एक्सपेंडिचर साइड है उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, जिसकी हेल्प से इट विल बी एबल टू कंट्रोल बोथ टाइप्स ऑफ दीज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. और RBI इनमें कुछ ना कुछ चेंज करेगा. अब ये वाले जो मेजर्स हैं, मनीटरी मेजर्स या मनीटरी पॉलिसी, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, चैप्टर था हमारा मनी एंड बैंकिंग. ठीक है, फॉर एक्सेसिव डिटेल, फॉर मोर डिटेल, यू इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है मैं उतना डिटेल में ना बताऊँ, अज्यूमिंग कि बिकॉज दिस हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन. तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज रिलेटेड टू दिस, स्पेशली लास्ट टू थ्री वीडियोज रिलेटेड टू चैप्टर मनी एंड बैंकिंग. ठीक है, जो बच्चों ने नहीं
सुना होगा, वीडियोस को ध्यान से सुन लें, देख लें, समझ आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है ना इतना भी बार बार दोबारा से मैं शायद इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ जितना पहले किया था, क्योंकि नाउ दिस इज़ द रेपिटिशन। तो अब जो RBI है, ये जो मनीटरी पॉलिसी है, इट हैज़ टू पार्ट्स। वन इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स या मेथड्स या मेजर्स, वन पार्ट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव। ठीक है, ये भी क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब दोज टूल्स या दोज पॉलिसी मेजर्स विच अफेक्ट द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन थ्रू आउट द कंट्री, ऑल द पीपल गेट अफेक्टेड। एज यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स दे इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन सर्कुलेशन। पूरे कंट्री में जितना भी क्रेडिट है, लोन है, मनी क्रिएट किया जाता है, वो कितना सर्कुलेट हो रहा है, वो पूरे सारी इकोनॉमी को, फुल ऑफ द होल ऑफ द इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड बाय दिस क्वांटिटेटिव टूल्स। ऑन द अदर साइड जो क्वालिटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, दे कंट्रोल एंड रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। डायरेक्शन का मतलब होता है किस साइड पे, किस फील्ड में क्रेडिट देना है, ज़्यादा देना है या कम देना है। कंट्री में तो आप देखते ही हैं इकोनॉमी में सो मेनी सेक्टर्स आर देयर, अब नाम लेना शुरू करें, कई तरह के सेक्टर्स हैं, जैसे हम कह दें एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ देयर, बैंकिंग सेक्टर इज़ देयर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ देयर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेक्टर इज़ देयर, मतलब हर एक चीज़ को हम सेक्टर नाम दे के आगे बोल देते हैं सेक्टर्स हैं। तो अब ये क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि वेन RBI डिसाइड्स टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, भी किस सेक्टर को लोन देना है और कौन से सेक्टर को लोन रिड्यूस करना है, कम करना है और ज़्यादा करना है, तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो अब इससे इस ये वाले जो मेथड्स होते हैं ना, दे डोंट अफेक्ट होल ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मान लो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा लोन देना चाहती है, तो ठीक है, एग्रीकल्चर वाले फील्ड के जो लोग जाएंगे ये उनसे रिलेटेड मैटर है। वीट ऑर्डिनरी पीपल, मैं या आप, हम लोग आम सर्विस क्लास पीपल हैं मान लो, या बिजनेस मैन भी है, तो हमारा उसके साथ कोई खास लेना देना नहीं है, वी विल नॉट गेट अफेक्टेड। ठीक, तो ये जो क्वालिटेटिव हैं दे अफेक्ट सिलेक्टेड सेक्टर्स, एंड क्वांटिटेटिव टूल्स दे अफेक्ट होल ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑल द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, अब हमने वन बाय वन वी विल बी कवरिंग बोथ टाइप्स ऑफ मेजर्स। पहले हम करेंगे केस ऑफ एक्सेस डिमांड, आफ्टर दैट वी विल डू द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो फर्स्ट इज कमिंग टू दिस साइड, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। ठीक है, मेजर्स कॉमन है, करने हमने दोनों फील्ड्स में, कि एक्सेस में इनको क्या किया जाता है और डेफिशिएंट डिमांड के केस में व्हाट इज डन टू देम। लेट मी सी ऑल द चिल्ड्रन आल्सो साइड बाय साइड। हाँ जी, तो फर्स्ट है ये, कमिंग टू दिस पार्ट नाउ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। As I told earlier also, government जो होती है it spends money on various fields or activities. Government consume भी करती है, सामान भी खरीदती है, government investment भी करती है, तो मतलब government incurs consumption expenditure, जितना भी law and order को maintain करना है, administration के काम करने हैं, government offices में जो भी सामानों की ज़रूरत पड़ती है वो market से ही purchase किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी कार्स यूज़ होती हैं, जीप यूज़ होती है, कोई वेपन्स यूज़ होते हैं, कोई स्टेशनरी यूज़ होती है, कोई फर्नीचर यूज़ होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो कहीं ना कहीं से तो वो परचेज किया ही जाता है ना। तो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, जो भी खर्चा है, ऑल दोज थिंग्स आर परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द मार्केट, जो बनाने वाले उनसे ले लेते हैं। और ऐसे ही साइड बाय साइड गवर्नमेंट व्हेन इट बिहेव्स लाइक या एक्ट्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो व्हेन गवर्नमेंट इनकर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो इन दैट केस गवर्नमेंट ऑल्सो परचेजेस मशीनरी फ्रॉम द मार्केट। जैसे आम बिजनेसमैन फैक्ट्री चलानी है, कोई बाजार से मशीन खरीदता है, कोई इक्विपमेंट लेता है, तो ऐसे गवर्नमेंट भी परचेज करती है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सपेंडिचर हो, वेदर इट इज़ कंजम्पशन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट कई तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी करती है। अगर आपको याद हो बजट लेसन में हमने किया था, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी होता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी होता है, प्लान्ड भी होता है, अनप्लान्ड भी होता है, कई तरह के मतलब खर्च करती है। कहने का सिंपल जिस्ट ये है। तो जब वो गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन के काम है, कोई रेलवे स्टेशन बनाते हैं जी, कोई फ्लाई ओवर है, कोई और पावर स्टेशन है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो व्हेन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, तो इन दैट केस मेनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। कोई स्किल्ड टाइप का काम होता है, कोई लेस स्किल्ड टाइप का, कोई मजदूरों का काम होता है, कोई इंजीनियर्स का काम होता है, मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। तो व्हेन मेनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, तो सर्टेनली एट द एंड ऑफ द डे दे विल गेट सम इनकम ऑल्सो। फ्री में तो नहीं करते हैं,
तो व्हेन दे गेट इनकम तो दैट मींस देयर परचेजिंग पावर इंक्रीजेस. व्हेन परचेजिंग पावर इंक्रीजेस तो इसका मतलब है मनी इन अवर पॉकेट्स, मनी इन अवर हैंड, इनकम इन अवर हैंड दैट इंक्रीजेस. एंड वी कम इन, वी का मतलब जिनको भी काम मिलता है, दोज पीपल कम इन ए पोजिशन टू गो टू मार्केट एंड बाय वट एवर दे वॉन्ट टू बाय, जो भी लेना चाहते हैं. मतलब पैसे हो तो कोई कुछ भी ले सकता है. तो जब गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेंडिचर्स करती है तो ऑब्वियसली इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल दैट इंक्रीजेस. ठीक. अब क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी के अंदर है एक्सेस डिमांड. तो एक्सेस डिमांड के केस में लोगों के पास मनी होता है, दैट इज़ वाई पीपल गो टू मार्केट. आप या मैं, हमारे पास पैसे हो ना तो चाहे दिल करता भी हो तो भी बाजार जाने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं है तो क्या जाके क्या करेंगे, विंडो शॉपिंग की करके आ सकते हैं ना, खरीद तो नहीं सकते. तो जब हमारे पास मनी होता है तभी हम खरीद सकते हैं. तो यहाँ पर है कि एक्सेस डिमांड के केस में पीपल हैव मनी, दे हैव इनकम, दे वॉन्ट टू स्पेंड, दे वॉन्ट टू गो टू मार्केट. अब गवर्नमेंट ने उनकी वही जो एबिलिटी टू परचेज है ना, उनकी इनकम है, उसको स्क्वीज करना है, उसको कम करना है, उसको रिड्यूस करना है. तो अब कैसे रिड्यूस करें, अब उसको, उसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट लोगों के पीछे पुलिस लगा दे, चलो जी सबसे 100-100 रुपये मांग के आओ, 1000-1000 रुपये मांग के आओ, ऐसे तो नहीं ले सकते. लोगों की अपनी मेहनत की अर्निंग है, कोई कुछ भी खर्चे कोई रोक तो नहीं सकता. तो फिर गवर्नमेंट को क्या तरीका अपनाना पड़ता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट को यूज़ करती है. उसमें गवर्नमेंट जिन जिन कामों पर खर्च करने की पहले सोचती है, तो अगर एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन हो तो उस केस में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर देती है, रिड्यूस कर देती है. भी ना गवर्नमेंट कोई काम ज़्यादा खर्चे करेगी, ना लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना लोगों को इनकम मिलेगी, ना उनके उनके पास से इनकम, मतलब उनके पास मनी बढ़ेगा, और ना ही बढ़ेगा तो वो जाके खर्च भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो गवर्नमेंट अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर, अनप्रोडक्टिव कामों के ऊपर, नॉन डिवेलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, मतलब जो भी वेस्टफुल भी कह सकते हैं, थोड़े जिस भी खर्चे को रिड्यूस किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद करके बैठ जाते हैं, कोई इसेंशियल खर्चा है तो नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं. अब मान लो ऑन द स्पॉट चाइना के साथ लड़ाई के मतलब चांसेस हैं, तो अब गवर्नमेंट कितने वेपन्स खरीद रहे हैं, कितने वो रफाल भी खरीद लिए, और भी जहाज़ खरीद लिए, और भी कई तरह का आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदे जा रहे हैं. तो जब ज़रूरत है वो तो खरीदना ही है, बट अदरवाइज जो रूटीन में काम होते हैं ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है. तो व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग, तो दैट मींस पीपल के हाथ में जो मनी जाना होता है वो नहीं जा पाता. तो इट इज़ ए मेथड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल द मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल. एक तो ये तरीका हो सकता है. सेकंड है, गवर्नमेंट कैन मेक यूज ऑफ इट्स अदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज टैक्सेस. तो अब टैक्सेस, मोर टैक्सेस आर इम्पोज ऑन पीपल, और द प्रेजेंट टैक्सेस देयर परसेंटेज इज इंक्रीज्ड. पहले अगर 2% टैक्स है तो उसको 5% कर सकते हैं, 5% है तो उसको 7% कर सकते हैं, या तो रेट बढ़ा सकते हैं, या न्यू टैक्सेस में ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस्ड, जो पहले कभी नहीं था वो भी नया भी कुछ शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. तो व्हेन टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम्स ऑफ पीपल, देन देयर डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स. आपको मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़े तो जो पैसे मेरे पास पहले बचते थे अब नहीं बचेंगे, जो पैसे पहले हम खर्च कर सकते हैं अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टैक्स के तौर पे मनी निकल गया हमारा. ठीक है. तो व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट मे इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग टैक्सेस और मे इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस ऑल्सो. एंड सेकेंडली, और क्या था, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकती है, या करना चाहिए या कर सकती है, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी मे यूज द वर्ड्स. ठीक है जी, आई होप दीज टू आर क्लियर. ठीक है. अब हमारे सिलेबस में बस सिर्फ ये दो हैं, बाकी के हम नहीं करेंगे बिकॉज सिलेबस में नहीं, अदरवाइज बाकी में तो फिर और भी कई तरह की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर कई कुछ ही है, बजट लेसन में हमने पढ़ा ही हुआ है. बट वी विल नॉट बी कवरिंग ऑल, एज पर द सिलेबस वी हैव टू टेल अबाउट ओनली दीज टू. नाउ कमिंग टू दिस साइड, अब है हाउ टू मेक यूज ऑफ दीज टूल्स ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड. ठीक है जी, अब आ जाएं पहले बैंक रेट. अब क्या होता है बैंक रेट का मतलब, बैंक रेट मीन्स दैट रेट. अब मैं बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये किया हुआ है, बट मेन मेन मैं फिर से बता देती हूँ. बैंक रेट मीन्स दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स व्हेन सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स. और फिर से देख लो, बैंक रेट का मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो RBI चार्ज करता है, कब करता है, जब ये लेंड करता है, उधार देता है कमर्शियल बैंकों को. ठीक है. तो जब कमर्शियल बैंकों को उधार देने के ऊपर ये चार्ज करता है लॉन्ग पीरियड के लिए जो लोन्स होते हैं, देन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट. अब जब एक्सेस डिमांड है तो ड्यूरिंग दैट केस बैंक रेट इज इंक्रीज्ड.
इसको बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को अब एक्सपेंसिव लोन पड़ेगा, उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा। तो जैसा उनके साथ अपने साथ होता है, दे आर पेइंग मोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट टू द सेंट्रल बैंक, तो अब वो उनकी अपनी जो कैपेसिटी टू लेंड लोन्स टू पब्लिक है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप ही वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनका पैसा अपना ही खर्च हो रहा है। तो व्हेन पीपल ऑर्डिनरी पीपल गो टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लोन, तो कमर्शियल बैंक भी उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होता है तो दैट इज़ ए वे टू कंट्रोल द दिस लोन्स इन द इकोनॉमी, तो लोग कम ही लोन लेना पसंद करते हैं। हमें हम सबको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े तो हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम उधार लें, बहुत 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 ज़रूरी है तो ही लें, बेफालतू के काम के लिए ना लें। तो ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए फिर लोन लोग लेते हैं, अदरवाइज फॉर अननेसेसरी वर्क्स या थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट कामों के लिए जो भी हम उधार लेते थे अब उसको रोक देते हैं। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैज़ इंक्रीज्ड। व्हाई हैज़ इट इंक्रीज्ड? बिकॉज सेंट्रल बैंक हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द बैंक रेट। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड बैंक रेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है जी। सेकेंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट आप नहीं कुछ करती है, गवर्नमेंट के हमने पहले भी लेसन में पढ़ा है, ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक। आप नहीं कोई पीएम और मंत्री जाके कुछ करते, उनके बिहाफ के ऊपर, उनके मिनिस्ट्री के, उनके डिपार्टमेंट के बिहाफ के ऊपर सारे जो भी काम है वो आरबीआई ही करता है। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, सेविंग के सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी सेल एंड परचेज दैट इज डन बाय आरबीआई। ठीक। तो जब होता है एक्सेस डिमांड का टाइम, मीन्स इन्फ्लेशन का टाइम, तो अब क्या करना है, अब ड्यूरिंग दैट टाइम सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू स्टार्ट सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल करनी शुरू कर देता है। तो सेल करने का मतलब वो जो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है वो लोगों को दिया जाता है। लोगों का मतलब यहाँ पे पीपल एज वेल एज कमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक बुक में कमर्शियल बैंक लिखा हुआ है, बट वहाँ पे पब्लिक भी हो सकती है, कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, बट उसका फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि लोग भी जब भी कोई काम करते हैं तो लोग डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के साथ डील नहीं करते हैं, वी ऑल पीपल डील विद कमर्शियल बैंक्स ओनली। तो फिर नॉर्मली वर्ड बुक्स में यही लिख दिया जाता है कमर्शियल बैंक। तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है टू कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंकों से मनी आ जाता है इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। कोई भी चीज़ परचेज करता है कोई, तो पैसे देने ही पड़ते हैं ना। तो जब कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल करता है, तो मनी इज टेकन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, इट दैट मनी कम्स इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, जब कमर्शियल बैंक्स पैसे दे देते हैं तो उनकी एबिलिटी टू लेंड मनी टू पब्लिक दैट गेट्स रिड्यूस्ड, दैट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, क्योंकि पैसे उनके पास एक्स्ट्रा जो मनी था वो चला गया इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड के केस में, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स सेलिंग द सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स और मनी आ जाता है इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब इकोनॉमी में मनी कम हो गया, रिड्यूस हो गया। नाउ थर्ड इज, बुक में इन दोनों के लिए वर्ड हैज बीन यूज्ड, लीगल रिजर्व रेशियोज। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब वो रेशियो ऑफ मनी विच इज टू बी केप्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। तो इकट्ठा नाम दोनों का कंबाइंड नेम इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, बट अदरवाइज इट हैज टू पार्ट्स। नाउ फर्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो। तो क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? मीन्स दैट पार्ट ऑफ टोटल नेट एंड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच दे हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के पास उन्होंने अपने एक्स्ट्रा मनी का, अपने फाइनेंस का, अपना जो भी मनी रखना होता है कुछ परसेंटेज, वो CRR। अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड दिस CRR इज इंक्रीज्ड। सेंट्रल बैंक कहता है कि पहले मान लो आप 20 rupees रखते हो मेरे पास, अब आप 30 rupees रखो या 40 rupees रखो, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत हाई इन्फ्लेशन है तो ये CRR भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाती है, थोड़ा कम है तो थोड़ा उसको अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया जाता है। तो CRR इज इंक्रीज्ड, तो इन दैट केस नाउ कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप मोर मनी विद द सेंट्रल बैंक, सो दे आर लेफ्ट विद लेस मनी इन देयर हैंड एंड नाउ दे कैन एक्सटेंड लेस लोन्स टू द पब्लिक। तो क्योंकि अपने पास पैसे कम हो गए तो अब पब्लिक को कम लोन दिए जाएंगे, तो दैट मीन्स इट इज़ ए मेथड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, तो अब लोगों को कम लोन दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उनके पास अपने पास ही मनी कम हो गया है।
सेम वे SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मीनिंग है दैट अमाउंट ऑफ दैट परसेंटेज ऑफ टोटल नेट एंड डिमांड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स एवरी टाइम, हर समय अपने पास जो पैसे रखने होते हैं, जैसे आप हम देखते हैं ना घरों पे, हम कुछ पैसे हमेशा अपने पास रखते हैं, बाकी सारा तो बैंक में रखते हैं, बट थोड़ा बहुत फिर भी अपने पास कुछ इमरजेंसी के लिए हमेशा रखते हैं। सारे घरों में सब लोग ऐसे करते हैं कि कुछ पता नहीं ऑन द स्पॉट क्या ज़रूरत आ जाए, तो वो जो पैसे हम हर टाइम अपने पास रखते हैं, तो ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक्स को हर टाइम अपने पास कुछ मनी रखना होता है, किसमें से, जो उनके पास नेट टाइम डिपॉजिट्स हैं और नेट डिपॉजिट्स हैं, मतलब इंटर बैंकिंग वाले वो सारे निकाल के, ये सारा आपको पहले बताया हुआ है, तो वो जो पैसा सिंपली दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब अगर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो इन दैट केस सेंट्रल बैंक एडवाइजेज या आस्क्स द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज दिस स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि पहले मान लो बैंक अपने पास अपने टोटल डिपॉजिट्स का मान लो 30% हमेशा रखता है, तो अब है इन्फ्लेशन की सिचुएशन, तो अब क्या सेंट्रल बैंक कहेगा कि नहीं जी आप 30% नहीं, आप 40% रखो, तो पहले 30% था तो 70 रुपीज एक्स्ट्रा बच के वो लोन के तौर पे दिए जा सकते थे, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 40%, दैट मींस अब सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास बचेंगे ओनली 60 रुपीज जो लोन के तौर पे दिए जा सकते हैं, तो अगेन इट इज ए मेथड टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स सो दैट दे कैन एक्सटेंड लेस लोन्स टू द पब्लिक। मतलब सीधे वर्ड्स में सिंपल सा मोटी सी बात समझे, वो ये है कि लोगों को कम लोन देना है, सीधी सी बात, लोगों को लोन को लोन के लिए उनको कम पैसा प्रोवाइड करना है, बस ये देखना है, तो उसके लिए जो RBI है वो ये सारे मेथड्स अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट इज दिस रेपो रेट। नाउ रेपो रेट का मीनिंग सेम है, रेपो रेट मीन्स अगेन वो इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक व्हेन इट लेंड्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, बट ओनली डिफरेंस क्या है, रेपो रेट इज कि वो लोन्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, मान लो 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, बड़े मिनिमम टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, तो जो शॉर्ट पीरियड के लोन देता है सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है, ये सेम है, ये बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों ही सेम है कि सेंट्रल बैंक लोन देता है टू कमर्शियल बैंक्स और बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना ही है कि जो लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, और जो बड़े थोड़े टाइम के लिए लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है जी, याद रहेगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्क क्या है दोनों में, तो रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लोन के ऊपर जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इसको बढ़ा दिया जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक की एबिलिटी टू लेंड को रोकना है, उसको कंट्रोल करना है, तो ये रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो इसका मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, कंसीक्वेंस क्या होता है कि जब पब्लिक आती है तो फिर वो उनसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि आप उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो लोगों से भी ज़्यादा इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम और एक्सेस डिमांड टाइम रेपो रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। लास्ट वन है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, ये कई बार ये याद जरूर करने बेटे, 1 मार्क में कई बार ही आ जाते हैं ये क्वेश्चन, डिफाइन रेपो रेट या डिफाइन ये वाला रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो का मीनिंग होता है, अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं या बात की है वो यही बोल रहे हैं कि जब सेंट्रल बैंक लोन देता है टू कमर्शियल बैंक, है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ी एंटिटी है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबका माता पिता है, भगवान है बैंकों का, और कोई बोलते हैं ना लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, तो कहीं से मदद ना मिले तो सेंट्रल बैंक तो है ही है सबकी हेल्प करने के लिए। अभी तक हमने जितनी बात की है वो यही किया कि सेंट्रल बैंक देता है लोन, है अब क्या है, यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ पर ऑपोजिट है, अब है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों से भी बोरो कर सकता है, मतलब वो कहते हैं कि हमेशा तो हम ही आपको देते हैं, अब सेंट्रल बैंक कहता है कि हम भी आपसे बोरो कर सकते हैं। अच्छा, जब बोरो करेंगे तो बदले में फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, उधार तो देना ही पड़ेगा, मतलब उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अब क्या होता है, जब होता है इन्फ्लेशन का टाइम, एक्सेस डिमांड का टाइम, उस समय सेंट्रल बैंक को वैसे ज़रूरत नहीं होती है कि, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई इमरजेंसी में आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो कमर्शियल बैंकों से उधार लेना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है, दिस इज जस्ट ए मेथड, एक टेक्निक है कमर्शियल बैंकों से पैसे को लेने की। तो जब होता है इन्फ्लेशन तो उस टाइम पे RBI क्या करता है, वो बोरो करना शुरू कर देता है,
कमर्शियल बैंक से, और कहता है कि बदले में आप अगर हमें लोन दोगे तो बदले में वो ज्यादा इंटरेस्ट उनको देना शुरू करता है कमर्शियल बैंकों को। तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो तो अपना, क्योंकि वर्ड ही कमर्शियल है, वो तो अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे, तो वो अगर आम लोगों को किसी और को लोन देते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट मिलता है, और आरबीआई उससे कहीं ज़्यादा बड़ा लिक्रेटिव, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा अट्रैक्टिव सा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उनको ऑफर करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो कमर्शियल बैंक्स उस लालच में आते हैं कि भी ठीक है हमने पैसे उधार ही देने हैं, चाहे जनता को दें चाहे सेंट्रल बैंक को दें, हमें तो इंटरेस्ट से मतलब है। तो सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग दैट केस हाई इंटरेस्ट ऑफर करके कमर्शियल बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा जो है वो अमाउंट को बोरो कर लेता है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। होप यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये सारे ही सिर्फ इसको छोड़ दें ओपन मार्केट ऑपरेशन को, इस क्योंकि ये टर्म अलग है, बाकी सारे ही देखो सभी में इंक्रीज इंक्रीज वर्ड आएगा। बैंक रेट इज इंक्रीज्ड, CRR is increased during inflation या excess demand. Similarly, SLR is increased, फिर repo rate is increased, फिर reverse repo rate is also increased. सभी में increase कर देता है। तो increase करने का मतलब कि अब commercial banks के पास कम पैसे बचते हैं to offer as loans to the ordinary people or public. ठीक, और इसमें open market में आपने कहना है कि central bank starts selling the securities. बस ये आ जाना, ठीक। Now coming to qualitative side. ये तो हो गए सारे क्वांटिटेटिव के, नाउ दिस साइड, इसमें मेन ये टू हैं। जस्ट अ मिनट बेटे, हाँ जी बंको, मेरी क्लास, मेरी क्लास लगी हुई है, कहाँ टेबल पे पड़े, आप ले जाओ। ओके, हाँ जी। तो अदरवाइज तो 3-4 मेजर्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स एक होता है, क्रेडिट राशनिंग या इसी को कह देते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एक होता है डायरेक्ट एक्शन, एक होता है मॉरल सुएजन या परसुएशन। वो दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट एक्शन और मॉरल सुएजन वाला, मेन हमारे ये है, ठीक है, वो भी कर लेंगे, बट मेन हमारा जो पेपर में आने वाला काम है वो खास करके ये है। तो अब क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का क्या मतलब होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफर्ड एज लोन एंड द अमाउंट केप्ट एज कोलेटरल और सिक्योरिटी। ठीक है, 100 रुपये का लोन देना है तो उसके बदले में कितनी सिक्योरिटी बैंक अपने पास पहले रखेगा? बिना सिक्योरिटी के बैंक कभी भी किसी को लोन नहीं देते हैं, ठीक। तो बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो अब अगर है इन्फ्लेशन का टाइम, एक्सेस डिमांड का टाइम, तो अब आप सोच के देखिए बैंक क्या करेगा, कम लोन देना चाहेगा लोगों को, ठीक है, तो क्या करेगा, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड। मतलब मेरे पास से अगर मैं 100 रुपये का लोन लेना है तो मान लो मुझे कहे कि आप पहले 150 रुपये की सिक्योरिटी रखो, तो कोई आदमी सोचेगा पहले अगर इतने ही एसेट्स होते तो कोई लोन लेने ही क्यों जाए, है ना, इतनी प्रॉपर्टी हो या इतना ही कुछ हो या ज़रूरत ना हो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट नॉर्मली इंक्रीज कर दी जाती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ताकि लोग सोचें, उनको दो बार सोचना पड़े, क्योंकि फिर वो देखते हैं कि बहुत इमरजेंसी है तो ही लेते हैं, अदरवाइज फालतू वाले कामों के लिए लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ये एक तरीका है टू कंट्रोल द हैबिट ऑफ पीपल टू गो टू बैंक्स अगेन एंड अगेन फॉर टेकिंग लोन्स, उनको डिस्करेज करना है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज गैप इज इंक्रीज्ड। सेकेंड है क्रेडिट राशनिंग या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नाउ इसका मीनिंग होता है कि इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है इट फील्स और डिसाइड्स कि भाई इकोनॉमी में किस टाइप के जो सेक्टर है या लोग हैं वो किस पर्पज के लिए लोन लेने जाते हैं। आप कभी भी, अभी तो आप चलो छोटे हो, जब आप बड़े होके खुद काम करेंगे तो आप मान लो कभी लोन लेने के लिए हम लोग बैंक में जाएं तो पहले अगले पूछेंगे ना कि भाई आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेने आए, आपने कोई आपकी फैक्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करना है, या आपने कोई प्रॉपर्टी अपना पर्सनल, कोई घर खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, पर्सनल लोन है या बिजनेस के लिए लोन है, कोई तो किसी तो टाइप का होगा ना, ऐसे तो नहीं जाके कहेंगे लोन दे दो जी अगला लोन दे दे, ऐसे नहीं होता। पहले वो पूछते हैं अभी किस चीज़ के लिए चाहिए, उससे रिलेटेड सारा वो अपना फॉर्म फिल करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट। फिर ये भी देखा जाता है कि द पर्सन हु इज कमिंग, हु हैज कम टू टेक लोन, क्या वो इस एबिलिटी वाला है पर्सन, उसके पास इतने एसेट्स हैं कि कल को बैंक का लोन भी वापस कर दे, ये ना हो कि ताला लगा के वो विजय माल्या बन के भाग जाए, है ना। तो उसकी एबिलिटी टू दिस रिटर्न लोन दैट इज ऑल्सो चेक्ड, और उसके ऊपर भी काबू रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग में जो RBI है वो ये कहता है कि कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को लोन नहीं देना, डिस्करेज करना है उनको, उनके लोन को कंट्रोल करना है। मान लो कोई चले जाएं
खास करके ऐसे लोग जो स्पेकुलेटिव कामों में पैसा लगाते हैं. स्पेकुलेटिव होता है जिसको हम, वैसे तो वर्ड कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं ना, जुएबाजी जिसको बोलते हैं लोग, ऐसे ही जैसे कई बार शेयर्स में पैसे लगाते हैं कई लोग. आपने कई ऐसे होते हैं काम कुछ नहीं करते, बस वो शेयर्स में मनी लगाते हैं कि ये देख के कि इस शेयर, इस कंपनी के शेयर्स का रेट आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा तो चलो जी ज़्यादा खरीद के रख लो, बाद में फ़ायदा होगा. मतलब इस तरह के काम करते हैं. दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड स्पेकुलेटिव, कि भाई इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है. मान लो आप या मैं बार बार यही एग्जांपल इस करके देती हूँ, जब हम अपने आप को उस चीज़ पे रख के देखते हैं ना तो हमें जल्दी समझ आता है. हम कोई और काम नहीं करते, हम सिर्फ न्यूज़पेपर लेके, न्यूज़ देख के ये देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में किस कंपनी की अहमियत बढ़ रही है, किस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है. जिसकी लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, अगले हफ्ते 10 दिन में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, इसका प्राइस बढ़ेगा, तो हम क्या करते हैं, आज वो चीज़ खरीद लेते हैं. जैसे गोल्ड है, मान लो, और सिंपल गोल्ड है, आज प्राइस सस्ता है उसका और हमें लगता है आने वाले 2 महीने में गोल्ड महंगा हो जाएगा, तो हम प्रेजेंटली गोल्ड खरीद के रख लें और जब महंगा हो जाएगा उसको सेल करें. तो अभी जो गोल्ड खरीदना है उसके लिए जब हम लोन लेने के लिए बैंक में जाएं तो ऐसा लोन कहलाता है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लोन, भाई इंट्यूशन के ऊपर है बेस्ड. ठीक है, तो आमतौर पर जो सेंट्रल बैंक है वो डिस्करेज करता है कि ऐसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ वाले लोगों को लोन नहीं देना है. तो इट आस्क्स द कमर्शियल बैंक्स टू keep a check on the loans which are to be given to the speculative purposes, to the people who are going to make use of that money for speculative purposes. या कोई और भी field हो सकता है, मान लो transport का field है, transport sector है, कि उस sector के को लोगों को loan नहीं देना है. ठीक, भी जिस भी sector को discourage करना चाहता है RBI during inflation time, तो उस sector के लोग जब जाते हैं loan लेने के लिए तो they are discouraged. अब discourage कैसे करेगा, मना तो नहीं कह सकते ना, अभी कोई आया तो उसको कहे नहीं जी लोन नहीं देना, ऐसे नहीं कह सकते. इसका डिस्करेज करने का तरीका क्या है कि इंटरेस्ट रेट को बहुत बहुत हाई कर दिया जाता है. जैसे 100 रुपये के पीछे मान लो कोई कहे 60% इंटरेस्ट, तो ये तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव लोन हो गया, 100 के पीछे 60 रुपये इंटरेस्ट ही देना पड़े. तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब है जिस भी फील्ड को रोकना है, जिस फील्ड में लोन्स को बिल्कुल रोकना है, वहाँ पे क्रेडिट को कंट्रोल कर दिया जाता है. उसकी अवेलेबिलिटी इज मेड वेरी डिफिकल्ट, लोगों को मिले ही ना, तो कैसे डिफिकल्ट करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया जाता है. तो फिर पीपल जो हैं वो लोग वो डिस्करेज हो जाते हैं, नहीं लेते हैं लोन. तो ये एक तरीका है. ठीक है, जैसे जैसे कई बार हम पासिंग मार्क्स की परसेंटेज ही बहुत रख रहे हैं, हम कहें कि 100 मार्क्स का पेपर है, वही बच्चा पास होगा जिसके 100 में से 70 मार्क्स आएंगे. अभी एक डिस्करेज करने का तरीका हुआ, ना 70 आए और ना बच्चा पास हो, मतलब एक सोचने वाली बात है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है तो वो अपना मतलब रोकता है, कंट्रोल करता है. तो